Now question number 5. In a circle of radius 21 cm, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the first part, the length of an arc, and part second, the area of sector formed by the arc, and part third, the area of the segment forced by the corresponding chord. क्या बोल रहे हैं? एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर है, ठीक है? और जो सर्कल में आर्क है वो कितना एंगल सब्सटेंड कर रही है सेंटर पे? 60 डिग्री का, ठीक है? तो आपको उस आर्क की लेंथ निकालनी है, ठीक है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जो उस आर्क की हेल्प से बना है, और एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, और जो उस कॉर्ड की हेल्प से जो वो सेगमेंट फॉर्म हुआ है उसका भी क्या निकालना है? एरिया. एक तो लेंथ निकालनी है आर्क की, एक सेक्टर का एरिया निकालना है, और एक लेंथ ऑफ द कॉर्ड, और एक एरिया किसका निकालना है? आपका सेगमेंट का जो कॉर्ड की हेल्प से बनी है, ठीक है? ये आपका सर्कल है, ठीक है? ये सर्कल है, ठीक है? ये आपका सेंटर हो गया. सेंटर में ये आर्क कौन सी है आपकी? ए सी बी. ए सी बी की आपकी आर्क है, और ये सेंटर में इस कॉर्ड के हिसाब से कितना का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का, ठीक है? तो आपको इस ए सी बी आर्क की लेंथ निकालनी है, इस ग्रे जो ग्रे शेडेड एरिया है इसका, ये सेगमेंट है इसका एरिया निकालना है, और ये पूरा जो ये दिख रहा है ये रेड प्लस ये ग्रे शेडेड एरिया, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है? सेक्टर आपका ये हो गया, ठीक है? इसका एरिया, इस सेगमेंट का एरिया, और इस आर्क की लेंथ, ठीक है? रेडियस आपको देगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है? देखो लेंथ ऑफ आर्क, आर हमारा 21 है, थीटा हमारा कितना है? 60. हमें पता है जो लेंथ ऑफ आर्क होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है. इसको लेंथ किसी भी आर्क की लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है? तो हमारी आर्क क्या है? ए सी बी. ये हमारी आर्क है ए सी बी. तो लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी क्या हो गया? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. थीटा हमारा कितना है? 60. 360 ऐसी रहा, 2 पाई के बदले 22.7, और हमारा कितना है? 21, ठीक है? एस ज़ीरो से ये ज़ीरो कटा, 6 से 36 कितनी टाइम जाएगा? 6 टाइम, ठीक है? 7 से कटा 21 3 टाइम्स, फिर 3 से 6 कट जाएगा कितना? 2 टाइम्स, फिर 2 से 11 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या क्या बचेगा ऊपर? कुल 22, ठीक है? जो लेंथ ऑफ आर्क है आपकी ए सी बी, उस लेंथ जो आर्क है आपकी ए सी बी उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 22 सेंटीमीटर, ठीक है? अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर. अपने बोला था कि एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सेक्टर? ओ ए सी बी. ये पूरा हमारा क्या है? रेड प्लस ग्रे अलग टोटल क्या बना रहा है हमारा? एक सेक्टर. तो ओ ए सी बी ये सेक्टर है, हम इसका क्या निकालेंगे? अब एरिया, ठीक है? थीटा में दे रखा 60. अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये होता है आपका सेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है? थीटा हमारा कितना? 60 अपॉन 360. पाई कितना है? 22.7. आर का स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21, ठीक है? 0 से 0 कैंसिल, 6 से कितना टाइम जाएगा? 36, 6 टाइम, ठीक है? 7 से ये 3 कैंसिल जाएगा, 7 से 21 कैंसिल जाएगा 3 टाइम, 3 से ये 6 कैंसिल जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है? फिर 2 से ये 11, 22 कैंसिल जाएगा कितना? 11 टाइम्स, ठीक है? तो ऊपर का बचेगा 11 और 21, ठीक है? तो आपको 11 और 21 आपको मल्टीप्लाई करके कितना देगा? 231, ठीक है? तो जो एरिया है सेक्टर का वो कितना है? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस सेक्टर का जो एरिया है वो कितना है? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमने किसका एरिया निकालना है? एरिया ऑफ द सेगमेंट जो इस कॉर्ड के हेल्प से बना, वो जो इस कॉर्ड के हेल्प से बना हुआ सेगमेंट कौन सा है? ये नीचे ग्रे वाला. ए सी बी क्या हमारा सेगमेंट, तो ग्रे वाले सेगमेंट का हमने क्या निकालना है? एरिया, ठीक है? वो कैसे निकालेंगे? देखो अब इस सेक्टर के साथ, ये पूरा सेक्टर, सेक्टर के साथ हमें क्या चाहिए? कुल इसका एरिया चाहिए, लेकिन इस सेगमेंट के साथ हमारे साथ क्या क्या इसके ऊपर क्या ऐड है? जॉइन है ट्राइंगल, ठीक है? पहले हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है? फिर जो ट्रायंगल का एरिया आएगा उस सेक्टर से, इस सेक्टर में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, जो बचेगा हमें क्या मिल जाएगा? सेगमेंट का एरिया. सेक्टर का एरिया हमने निकाल दिया, अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे. ट्रायंगल का एरिया जैसे ही निकालेंगे तो उस सेक्टर के, इस सेक्टर के एरिया में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो किसका एरिया होगा? सेगमेंट का, ठीक है? नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये हमारा ट्रायंगल क्या है? ए ओ बी, ठीक है? तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी ए. एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी ए मीन्स याला एंगल इस एंगल के इक्वल है. क्यों? ट्राइंगल क्या है कि उसकी ओ ए और ओ बी क्या हैं? दोनों रेडियस हैं. ये भी कितना है? 21. ये भी कितना है? 21. किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलिस, ठीक है? अब आइसोसेलिस के अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो
जो भी अपोजिट साइड में जो एंगल बनते हैं करस्पॉन्डिंग, वो भी क्या होते हैं इक्वल। अगर ये दो साइड इक्वल है तो जो ये दो एंगल होंगे जो इन साइड की हेल्प से बने हैं वो भी क्या होंगे इक्वल, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल क्या हमारा आइसोसेलेस। तो ये दो साइड इक्वल हैं तो ये दो एंगल भी क्या होंगे इक्वल, ठीक है। तो ओ ए बी इज़ इक्वल टू ओ बी ए, क्यों, बिकॉज ओ ए इक्वल टू ओ बी कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ कितना देगा आपको 180। तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए कितना होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब ओ ए बी के बदले मैंने क्या लिख दिया, अब यहाँ पे ओ बी ए है इसके बदले मैंने क्या पुट कर दिया एंगल ओ ए बी, क्योंकि ओ ए बी किसके बराबर है एंगल ओ बी ए के। तो जहाँ जहाँ एंगल ओ बी ए था वहाँ पर मैंने क्या पुट कर दिया एंगल ओ ए बी, ठीक है। तो ओ ए बी प्लस ओ ए बी कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी कितना देगा 60 इक्वल टू 180, ठीक है। ये 60 उधर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 60 कितना देगा आपको 120 ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी, ठीक है। अभी टू इसके नीचे आ जाएगा तो 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 60, तो एंगल ओ ए बी कितना आ गया 60। अब ओ एंगल ओ ए बी किसके बराबर है एंगल ओ बी ए के, मीन्स एंगल ओ बी ए बी कितना है 60, ठीक है। तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू 60, ठीक है। अब यहाँ भी एंगल 60 है, यहाँ भी एंगल 60 है, और यहाँ हमें 60 दे रखा था। इसका मतलब जो ट्राइंगल ए ओ बी है वो क्या आ गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ही ट्राइंगल में सारे उसके जिस ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं वो ट्राइंगल कौन सा होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मीन्स हमारा ट्राइंगल क्या है इक्विलेटरल, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, ट्राइंगल क्या है इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल के ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 ऐसी साइड का स्क्वायर मीन्स ये साइड इसकी 21 21, तो साइड का स्क्वायर मीन्स 21 into 21, ठीक है। ये दे देगा आपको 21 into 21 441 into √3/4, ये किसका एरिया आ गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमने एरिया निकाल दिया, हमारा कितना आया था 441√3/4, वो हमारा किसका एरिया आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब हमें किसका निकालना है जो हमसे पूछा है एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो ये सेक्टर था पूरा, इस सेक्टर का हमने एरिया निकाला हुआ था, अभी हमने इस ट्राइंगल का निकाल दिया जो क्या था इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका एरिया कितना है 441√3/4, ठीक है। हमें चाहिए किसका, इसका एरिया चाहिए। तो कैसे निकलेगा, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा आपको इस सेगमेंट का एरिया, ठीक है। तो इस सेक्टर में से ये ट्राइंगल रिमूव कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास ये सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, ये हमारा सेगमेंट ए सी बी, ग्रे वाला हमारा क्या सेगमेंट है ए सी बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो इस सेक्टर में से ये ट्राइंगल माइनस कर दिया हमने तो क्या बचा हमारा कुल सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने कितना निकाला था, वो आया था हमारा 231, और एरिया ऑफ हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना निकला अभी 441√3/4। तो ये आपका एरिया है गिवन सेगमेंट का, ठीक है। तो ये हमारा सेगमेंट है ए सी बी, इसका एरिया क्या है 231 - 441√3/4, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्या बोले, एक कॉर्ड है सर्कल की, ठीक है, और उस सर्कल का रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, और वो जो कॉर्ड है वो सेंटर पे कितना एंगल का, कितने डिग्री का एंगल सस्टेन कर रही है 60 डिग्री का, ठीक है। तो आपको एरिया निकालना है माइनर और मेजर सेगमेंट का, दोनों माइनर और मेजर सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। और पाई के बदले आपको कितना यूज़ करना है 3.14, ठीक है। तो देखो ये वो सर्कल है, ठीक है, ये कॉर्ड है पी क्यू, और ये सेंटर में कितना एंगल सस्टेन कर रही है 60 डिग्री का, ठीक है। ये ग्रे पार्ट आपका पूरा क्या हो गया मेजर सेगमेंट, और ये नीचे वाला कितना होगा रेड वाला आपका माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो आपको एरिया निकालना है मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का, ठीक है। कैसे निकलेगा माइनर सेगमेंट का, तो फिर से वही निकलेगा, पहले हम इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ठीक है, फिर उस सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें किसका मिल जाएगा माइनर सेगमेंट का, ठीक है। और अब मेजर सेगमेंट की बात करनी है तो क्या करना है, इस सर्कल का एरिया निकालेंगे, उस सर्कल के एरिया में से ये माइनस सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। पूरे सर्कल के एरिया में से ये रेड वाला जो पार्ट है इसको माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो आर हमें 15 दे रखा, थीटा हमें 60 दे रखा, रेडियस हमारा कितना है 15 है, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ
सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, जो माइनस सेक्टर है इसका एरिया निकालेंगे, सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू, ठीक है। ये सेक्टर ग्रे प्लस रेड वाला जो एरिया है इसका एरिया निकालेंगे, क्या हमारा एक सेक्टर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू पाई के बदले उन्हें बोला है यूज़ 3.14, आर हमारा कितना है 15 इंटू 15, 0 से 0 कैंसिल 6 से 36, 6 टाइम्स 6 है, फिर 3 से 3 टू जा और 3 फाइव जा, तो 3.14 इंटू 75 अपॉन 2, 3.14 इंटू 75 आपको देगा 235.54 अपॉन 2, ठीक है। तो 235.54 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा आपका 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया इस सेक्टर का, ग्रे ट्राइंगल प्लस दिस सेगमेंट, ठीक है। सेक्टर कैसे बन रहा है, ये ट्राइंगल प्लस दिस रेड सेगमेंट, इससे दोनों को ज्वाइन करके क्या बन रहा है हमारा सेक्टर, माइनस सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया आ गया, हमें किसका चाहिए, माइनस सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का, हमें एक तो ये वाला एरिया चाहिए माइनस सेगमेंट का और एक इससे ऊपर वाला मेजर सेगमेंट का, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एरिया किसका, ट्राइंगल का, सेक्टर का हमने निकाल दिया, हम निकालेंगे इस ट्राइंगल का, ठीक है। फिर से वही ओ पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू पी, ठीक है, बिकॉज ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, बिकॉज ओ पी भी 15 है और ओ क्यू भी 15 है, और किसी भी साइड, किसी ट्राइंगल की दो साइड अगर इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलिस, तो उसके जो बेस एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसके जो बेस एंगल होंगे दोनों वो भी क्या होंगे, इक्वल, तो मीन्स ओ पी क्यू एंड ओ क्यू पी भी क्या होंगे, इक्वल, बिकॉज ओ पी इक्वल टू ओ क्यू कितना है 15 सेंटीमीटर, तो जहाँ जहाँ ओ ओ क्यू पी होगा वहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, ओ पी क्यू, ठीक है। अब ये ट्राइंगल है ओ पी क्यू, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, दिस एंगल, एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू कितना देगा आपको 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ओ क्यू पी था वहाँ पे मैंने क्या रख दिया, ओ पी क्यू, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू हो जाएगा, इसके बदले मैंने क्या रख दिया यही, तो ये ओ पी क्यू प्लस ओ पी क्यू कितना देगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ठीक है। और पी ओ क्यू हमें कितना देगा था 60 इक्वल टू 180, ये 60 उठा के कितना हो जाएगा 120, 180 से 60 माइनस करोगे कितना देगा 120, फिर ये 2 इसके नीचे आ जाएगा 120 के, 120 को 2 से डिवाइड करोगे कितना मिल जाएगा आपको 60, तो एंगल ओ पी क्यू कितना आ गया 60, इसका मतलब ओ पी क्यू और ओ क्यू पी भी कितना होगा 60, क्योंकि दोनों एंगल के बराबर रहेगा, ये 60 तो ज़्यादा भी क्या होगा 60, ठीक है। अब ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया और ये 60 गिवन था, मीन्स ट्राइंगल क्या हो गया हमारा इक्विलेटर, क्योंकि तीनों एंगल क्या आ गया इसके 60 है, और इक्विलेटर ट्राइंगल के ही तीनों एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री के, ठीक है। सो ट्राइंगल ओ पी क्यू इज़ अ इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है। अब हम इक्विलेटर ट्राइंगल का क्या निकालेंगे, एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, रूट थ्री अपॉन फोर साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट थ्री अपॉन फोर ऐसी साइड कितनी देगी उसकी 15, तो 15 का स्क्वायर, तो रूट थ्री बाई फोर ऐसी 15 का स्क्वायर कितना देता है आपको 225, तो 225 इंटू रूट थ्री अपॉन फोर, और 225 इंटू रूट थ्री की वैल्यू हमने पुट कर दी 1.732 अपॉन फोर, ठीक है। 225 को मल्टीप्लाई करोगे 1.732 से कितना मिलेगा 389.7 अपॉन फोर, और उसको डिवाइड करोगे फोर से कितना आ जाएगा 97.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब हम निकालेंगे एरिया किसका, जो हमें चाहिए माइनस सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, तो माइनस सेगमेंट का एरिया कैसे, फिर से सेक्टर के एरिया में से क्या माइनस कर दो ट्राइंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू, ठीक है, ये हमारा सेक्टर था, इस सेक्टर में से हमने ये ट्राइंगल रिमूव कर दिया तो क्या मिल जाएगा हमें सेगमेंट, माइनस सेगमेंट, ये हमारा माइनस सेगमेंट है पी आर क्यू, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू आर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी आर, ठीक है। इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा हमें, ये सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू आर क्यू हमने निकाला अभी कितना, सेक्टर के एरिया हमने निकाला था पीछे कितना आया था 117.75, ठीक है। तो 117.75 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने अभी निकाला कितना 97.42, ठीक है, इससे इसको माइनस करके कितना आएगा 20.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा एरिया आ गया हमारा माइनस सेगमेंट का। अब हमें चाहिए मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, मेजर सेगमेंट हमारा कौन सा है, ये हमारा पूरा सर्कल था और ये ग्रे वाला पार्ट क्या है हमारा पूरा मेजर सेगमेंट,
तो इस सर्कल का एरिया निकालेंगे, उस सर्कल के एरिया में से ये माइनस सेगमेंट माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो क्या है आपका मेजर सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पी एस क्यू, ये हमारा क्या है पी एस क्यू, ये पी एस क्यू, ये हमारा क्या है पूरा इस ब्लैक लाइन के ऊपर सारा क्या है पी एस क्यू मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पी एस क्यू क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, इस पूरे सर्कल में से इस रेड वाले सेगमेंट एरिया को माइनस कर दो, जो बचेगा वो क्या आएगा आपका मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पी एस क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू, ये रेड वाला जो सेगमेंट है ये क्या है पी आर क्यू। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू हमने अभी कैलकुलेट करा कितना कितना आया था हमारा अभी 20.33। ठीक है, पाई के बदले 3.14 आर, 15 × 15 माइनस 20.33। ठीक है, ये सब कुछ मल्टीप्लाई करके देखा होगा 706.5 माइनस 20.33। ठीक है, तो 7.706.5 में से माइनस करोगे 20.33, कितना आएगा आपका 686.17 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जो मेजर सेगमेंट का एरिया है वो कितना है 686.17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड इन प्लेस ऑफ रूट 3 यूज 1.73। ठीक है, तो मतलब एक कॉर्ड है सर्कल की जिसका रेडियस, जो सर्कल उसका रेडियस कितना दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, तो वो कॉर्ड सेंटर में कितना डिग्री का एंगल बना रही है 120 का। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का। ठीक है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ठीक है, अब ये तो ये क्वेश्चन ये आपका बोर्ड में नहीं आएगा इस साल, क्योंकि सीबीएसई ने ये डिलीट कर दिया है कि सेंट्रल एंगल जिनका भी 120 होगा वो वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, देख लो तभी भी कैसे करना है, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारी कॉर्ड है एसटी, और ये सेंट्रल सेंटर में कितने डिग्री का एंगल बना रही है 120, ये पूरा एंगल कितना है 120 का। ठीक है, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस एक सर्कल का सेम होता है हर जगह से सेंटर से। ठीक है, एस यू टी ग्रे वाला हमारा क्या हो गया माइनस सेगमेंट, और इसके ऊपर वाला पूरा क्या हो गया मेजर सेगमेंट, इस कॉर्ड के ऊपर मेजर सेगमेंट और इस कॉर्ड के नीचे ये माइनस सेगमेंट। ठीक है, वैसे ये हमारा इस ये वाला, ये हमारा क्या है माइनस सेक्टर, और ये पूरा वाइट वाला ये हमारा क्या है मेजर सेक्टर। ठीक है, हमें क्या एरिया निकालना है किसका करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का। ठीक है, तो देखो नाइन्थ में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट। नाइन्थ क्लास में चैप्टर 10 में सर्कल में हमने पढ़ा सेंटर से जो भी लाइन, जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा सेंटर से कॉर्ड के ऊपर वो कॉर्ड को क्या करेगा बाइसेक्ट। तो सेंटर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, हमने ड्रॉ करा, तो ये कॉर्ड को क्या करेगा बाइसेक्ट। ठीक है, तो इस ओवी क्या परपेंडिकुलर, इस ओवी परपेंडिकुलर ने जिस कहाँ से बन रहा है सेंटर से किसके ऊपर इस कॉर्ड के ऊपर, तो इस परपेंडिकुलर ने इस कॉर्ड को क्या कर दिया बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में, अगर ये लाइन 10 की रही होगी आप कितनी की होगी 5 की, और ये भी 5 की, मीन्स जितना एस वी की लेंथ होगी उतनी ही वी टी की लेंथ होगी, अगर एस वी 5 है तो वी टी भी कितना होगा 5, और साथ में ये इस एंगल को भी क्या करेगा बाइसेक्ट। टोटल एंगल 120 का है, तो अब ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा 60 का। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नाइन्थ की है। तो अब दो ट्रायंगल बन गए, एक ग्रे वाला ट्रायंगल एक रेड वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपका एस ओ वी और एक ट्रायंगल आपका ओ वी टी। ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल आपका ये है। ठीक है, तो पहला मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ आपका ओ वी एस, ये ओ वी एस। ठीक है, ठीक है, क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब देखो मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया ओ वी एस, ओ वी एस में हम क्या यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल है ओ वी एस, ओ वी एस, यहाँ पे ओ में कितना बनता था 60, ये हमारा 90 था, और ये हमारा क्या था एस है। ठीक है, तो 90 के सामने क्या होती है हाइपोटेन्यूज, तो ये 90 था, इसके साली साइड वाली जो 12 सेंटीमीटर ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, जो रेडियस था इस सर्कल का वो इस ट्रायंगल के लिए किसका काम कर रहा है हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एस वी की लेंथ निकालनी है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ होगा इसमें, एंगल में दे रखा थीटा कितना है 60, तो कॉस 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो कॉस 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हमारा क्या है ओ वी और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है ओ एस। ठीक है,
कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ओ भी हमारे लिए अभी अननोन है, ओ एस हमें पता है कितना है 12, ठीक है। इस 2 से ये 12 कट जाएगा, कितना आएगा 6, तो ओ वी की लेंथ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। मीन्स जो ये ओ वी है ये कितना आ गया आपका। अब फिर से हम यही ट्रेंगल लेंगे, एस वी ओ वाला ट्रेंगल फिर से लेंगे। अब पहले हमने इसमें कॉस लगाया था, कॉस हमने क्या निकाला, कॉस यूज़ करके हमने क्या निकाल दिया, ओ वी की लेंथ निकाल दी। अब इसी में इसी ट्रेंगल में एस वी ओ में ट्रेंगल ट्रेंगल एस वी ओ में हम साइन यूज़ करके हम क्या निकाल देंगे, ठीक है, एस वी की लेंथ निकाल देंगे। अब इसकी निकाल देंगे, एक बार हमने बेस निकाला, अब हम क्या निकाल देंगे, एस वी की लेंथ, ठीक है। ट्रैंगल हमारा वही है ये, इस टाइप पहले इस ट्रैंगल से हमने क्या निकाला, ओ वी निकाला। अब इसी ट्रैंगल में साइन यूज़ करके, पहले इस ट्रैंगल में कॉस यूज़ करके हमने क्या निकाला, ओ वी की लेंथ निकाल दी। अब इसी ट्रैंगल में साइन यूज़ करके हम क्या निकाल देंगे, इस परपेंडिकुलर की लेंथ, ठीक है। तो साइन 60 ये थीटा है, ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। साइन 60 साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है एस वी, हाइपोटेनस क्या हमारा एस ओ, ठीक है। तो एस वी अपॉन एस ओ, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। एस वी हमारा कितना है अननोन, और एस ओ हमारा कितना है हाइपोटेनस 12, ठीक है। इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 12, 6 टाइम्स, ये 6 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से। तो एस वी की लेंथ कितनी आ गई, 6 √3। जो ये एस वी है इसकी लेंथ कितनी आ गई, 6 √3, ठीक है। मीन्स इसकी लेंथ कितनी आ गई, 6 √3, ठीक है। अब हमें पता है हमने जो ये सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ था इस कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट। मीन्स हमें गिवन, हमने ये निकाला हुआ था कि एस वी किसके बराबर है, वी टी के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर सेंटर से, जो भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट। मीन्स जितना एस वी आया उतना ही क्या आया होगा वी टी, क्योंकि एस वी और वी टी क्या हैं, दोनों बराबर, ठीक है। जितना एस वी आया उतना ही क्या होगा वी टी। तो जो टोटल लेंथ होगी एस टी की, इस एस टी की जो टोटल लेंथ वो क्या होगी, एस वी प्लस वी टी। इसकी जो टोटल लेंथ आएगी वो कैसे निकाली जाएगी, एस वी प्लस वी टी, ठीक है। तो एस टी इक्वल टू एस वी प्लस वी टी, तो एस वी प्लस वी टी ना, लेकिन एस वी प्लस वी टी, और वी टी किसके बराबर है, एस वी के। तो जहाँ जहाँ वी टी था मैंने वहाँ पे क्या पुट कर दिया, एस वी, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में हमें पता था कि वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ था सेंटर से वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट, और उससे एस वी किसके बराबर आ गया था, वी टी के। तो जहाँ जहाँ वी टी था मैंने वहाँ क्या पुट कर दिया, एस वी, एस वी कितना है, 6 √3। यहाँ पे भी एस वी है तो 6 √3, 6 √3 प्लस 6 √3 कितना देगा आपको, 12 √3। तो एस टी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 √3, ठीक है। ये आपकी एस टी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का, एस ओ टी का, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब एस टी हमने निकाल दिया, हम पे क्या हो गया, ये बेस आ गया, ठीक है, और यहाँ पे हाइट, ठीक है। अब हाइट कैसे निकाली जाएगी, हाइट भी हमने निकाल दी थी, ओ वी, ओ वी भी निकाल दिया था हमने, कितना 6, एस टी भी निकाल दिया। अब इस ट्राइंगल की हम पे हाइट भी हो गई और बेस भी हो गया। इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, ओ वी, और बेस क्या हमारा एस टी, ठीक है। ओ वी भी हमने निकाल दिया था 6 सेंटीमीटर, और बेस भी निकाल दिया हमने 12 √3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ़, जब आपको बेस और हाइट गिवन हो तो कौन सा एरिया लगता है ट्राइंगल का, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ट्राइंगल ऑफ ओ एस टी क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस हमारा क्या है एस टी, और हाइट क्या हमारी ओ वी। एस टी हमने कितना निकाला, 12 √3, और ओ वी कितना निकाला था हमने, 6। इस 2 से 6 कट जाएगा 3, तो 3 × 12 कितना देगा आपको, 36 √3, ठीक। और रूट थ्री के बदले हमने कितना बोला यूज़ करने के लिए, 1.73, ठीक है। तो 36 × 1.73 रख दिया हमने, तो 36 × 1.73 आपको मल्टीप्लाई करके कितना देगा, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया इस ट्राइंगल का, ठीक है। लेकिन हमें तो एरिया किसका चाहिए, सेक्टर का चाहिए, ठीक है। ठीक है, एरिया ऑफ हमें क्या चाहिए, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट चाहिए ना, ठीक है। देखो तो अब ट्राइंगल का एरिया आ गया, अब हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे। पूरे सेक्टर क्या है, ओ एस यू टी, ओ एस यू टी, ये पूरा सेक्टर हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 × π² तो थीटा अपॉन 360 × π², थीटा कितना हमारा 120। ये पूरा एंगल सेक्टर तो हमारा पूरा ये है ना, तो इसका टोटल एंगल कितना था 120, 360 ऐसी, पाई के बदले 3.14, और आर हमारा कितना था रेडियस 12, तो 12 × 12, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 36 कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम्स, ठीक है। और 3 से ये 12 कितने टाइम जाएगा, 4, तो ऊपर क्या बचा आपका 3.14 × 4 × 12, ठीक है। तो 3.14 और 12 × 4 कितना देगा आपको, 48, ठीक है। फिर 3.14 मल्टीप्लाई होगा 48 से, कितना देगा आपको, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, इस सेक्टर का, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट,
इस सेगमेंट का एरिया, ये कैसे निकलेगा, इस सेक्टर ए में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, फिर से ये पूरे सेक्टर में से ये ट्राइंगल हटा दो, तो क्या बचेगा आपको, सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट एस यू टी क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस यू टी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस टी, मीन्स इस सेक्टर में से ये ट्राइंगल को माइनस कर दो, जो बचेगा वो क्या आएगा आपका, सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट एस यू टी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस यू टी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस टी। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस यू टी कितना आया था, 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस टी हमने अब कितना निकाला, 62.28। ठीक है, तो 150 माइनस 150.72 माइनस 62.28 करोगे तो कितना आएगा, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया आपका किसका, इस सेगमेंट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइट 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। पार्ट सेकेंड, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप व 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक हॉर्स को आपने एक फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, उसमें आपने स्क्वायर हॉर्स को उस स्क्वायर के एक कोने में आपने बांध दिया। ठीक है, किससे, पैक से, जैसे आपने कैटल गाय वगैरह को बांधते हो, खूंटी बोलते हैं जैसे, उससे आपने उसको बांध दिया, ठीक है, स्क्वायर के एक कोने में। ठीक है, आपका स्क्वायर फील्ड है, आपने किसी भी एक कोने में, मैंने मान समझ लो यहाँ पे बांध दिया, यहाँ पे हॉर्स को एक रस्सी से मैंने बांध दिया। ठीक है, और जो रोप की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर की। ठीक है, तो आपको बताना है कि उस जो उसकी रोप कितनी लंबी है, 5 मीटर, तो वो कितना एरिया ग्रेस कर सकता है उस फील्ड का, स्क्वायर फील्ड है तो मीन्स कितना एरिया में वो ग्रेजिंग कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं, अगर उस जो रोप की जो लेंथ है, अगर हम उसको हम 10 मीटर कर दें 5 मीटर के बदले, पहले रोप की लेंथ कितनी थी, 5 मीटर, तो वो इतना एरिया ग्रेज कर रहा था, ये ग्रे वाला पार्ट। ठीक है, अब उस रोप की लेंथ हमने 10 मीटर कर दी, तो जो हॉर्स होगा वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, क्योंकि अब जो हॉर्स है अभी तक कुल यहीं तक, क्योंकि रोप यहीं तक जा रही थी, तो इतना ही एरिया कवर हो रहा था उस हॉर्स से, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इस फील्ड का अब रोप की लेंथ हमने इतनी इंक्रीज़ कर दी 10 मीटर, अब उसका जो ग्रेजिंग एरिया वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब रोप की लेंथ इंक्रीज़ होगी, तो अब उसका एरिया यहाँ से लेके ये पूरा हो जाएगा। तो हमें बताना है कितना उसका एरिया ग्रेज इंक्रीजिंग, कितना इंक्रीज़ हुआ उसका ग्रेजिंग एरिया। ठीक है, कितना डिफरेंस आया जब उसकी रोप की लेंथ 5 मीटर थी, और जब उसकी रोप की लेंथ कितनी हो गई, 10 मीटर, तो कितना एरिया में डिफरेंस आया ग्रेजिंग में। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, जिसकी साइड कितनी है, 15 मीटर, ये भी 15 मीटर होगा, ये भी 15 मीटर होगा। हॉर्स को हमने इस कोने में, एक कॉर्नर में हमने बांध दिया। ठीक है, यहाँ पे पैक से बांध दिया, और इसकी जो रोप की लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर। फर्स्ट केस में तो रोप की लेंथ कितनी है, 5 मीटर, तो जो हॉर्स होगा वो कितना एरिया ग्रेस कर सकता है, हॉर्स की जो रोप की लेंथ है वो इतनी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा पाएगा, फिर यहाँ से इतना एरिया, इसी एरिया में वो अपना ग्रेजिंग कर सकता है। ठीक है, ग्रे वाले में। सेकेंड केस में जब रोप की लेंथ 10 मीटर हो जाएगी, तब रोप यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकती है, और इसी एरिया में वो ऐसे ऐसे घूम के इतना एरिया ग्रेज कर सकता है। तो हमें डिफरेंस बताना है कितना एरिया डिफरेंस होगा ग्रेजिंग एरिया में, जब रोप की लेंथ 5 मीटर थी और जब रोप की लेंथ 10 मीटर थी। तो ये क्या बन रहा है, अब हमें पता है कि स्क्वायर के चारों एंगल कितने होते हैं, कॉर्नर में जितने भी स्क्वायर के एंगल बनते हैं सारे कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री के स्क्वायर है, तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 का, यहाँ पे भी कितना होगा, 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। ठीक है, तो यहाँ पे 90 बना। अभी जो उसने जब रोप 5 मीटर थी, तो उसने इतना एरिया ग्रेज करा, तो ये आपका क्या हो गया, एक क्वाड्रेंट बन गया, सेक्टर बन गया, ओ बी ए आपका क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया। ठीक है, और उसका एंगल कितना है, 90, क्योंकि फील्ड क्या आपका स्क्वायर, और स्क्वायर के सारे कॉर्नर के जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, तो थीटा आपका कितना हो गया, 90। ठीक है, तो पहला सेक्टर बन रहा हमारा, वो क्या बन रहा है, ओ बी ए। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी ए ई, ठीक है, या ओ बी ई ए, ठीक है, कोई भी नाम बोल दो आप, चाहे यहाँ से ऑर्डर कर दो स्टार्ट, या यहाँ से। ठीक है, तो हमारा सेक्टर क्या है, ओ बी ई ए। ठीक है, ये सेक्टर हमारा ये है, इसका हम पहले एरिया निकालेंगे। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 3 16 2 पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारा 90 है, और आर हमारा 5, पहले केस में रोप की लेंथ कितनी है, 5, और फील्ड क्या था, स्क्वायर, और स्क्वायर के चार एंगल कितने डिग्री के होते हैं, इसके 90 डिग्री के। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 36 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.4
1.4 इंटू पाई के बदले उन्हें कितना बोला है 3.14 यूज़ करना है, ठीक है। और रोप की लेंथ पहले केस में कितनी थी, 5, तो 5 इंटू 5, ठीक है। 5 इंटू 5 कितना दे देगा आपको, 25, और 3.14 ऐसे ही, और ये 4 ऐसे ही, ठीक है। 3.14 इंटू 25 आपको देगा 78.5 अपॉन 4। 78.5 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 19.625 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया ग्रेजिंग का, ठीक है। इतना एरिया उसने ग्रेज करा हॉर्स ने, जब उस हॉर्स की जो रोप की लेंथ थी कितनी, 5 मीटर, ठीक है। ये अब रोप की लेंथ कितनी हो गई है, 5 से बढ़ के कितनी हो गई, 10 मीटर, ठीक है। तो अब वो एरिया कितना ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ठीक है। थीटा तो वही रहेगा क्योंकि इसी कॉर्नर से वो क्या है, टाइड है, ठीक है। बस क्या हो गया, लेंथ इंक्रीज होगी रोप की, तो अब एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ग्रेजिंग का। थीटा कितना है, 90। अब रेडियस कितना हो गया, 10 मीटर। अब हमारा जो सेक्टर बनेगा वो कौन सा है, यहाँ से COBDCODF, सॉरी है, ठीक है। ये सेक्टर हो गया हमारा, ये पूरा, अब उसका ये पूरा ग्रेजिंग एरिया हो गया। ये इतना पार्ट तो ग्रे वाला पार्ट तो कर रहा है, साथ में ये वाला पार्ट और उसमें ऐड हो गया, तो टोटल सेक्टर हमारा क्या हो गया, ग्रेजिंग एरिया ये हो गया पूरा, ठीक है। तो हमारा सेक्टर क्या बना, OBDF, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर OCFD, ठीक है, क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 90 रहेगा अपॉन 360, पाई के बदले 3.14। अब रेडियस कितना हो गया हमारा, 10, तो 10 इंटू 10, ठीक है। 10 इंटू 10 कितना देगा, 100। 100 इंटू 3.14 कितना देगा आपको, 314 अपॉन 4। 314 को डिवाइड करोगे 4 से कितना आ जाएगा, 78.5 मीटर स्क्वायर। अब उसका एरिया कितना आया, 78.5 मीटर स्क्वायर। अब उसका एरिया ग्रेजिंग एरिया वो इंक्रीज़ हो गया क्योंकि उसकी जो रोप की लेंथ थी वो क्या कर दी थी हमने, इंक्रीज़। अब हमें बताना है कि कितना डिफरेंस है या कितना एरिया में कितना इंक्रीज़ हुआ, ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीज़ हुआ। तो वो कैसे निकलेगा, जो याला एरिया है इससे इस एरिया को मान लो, माइनस कर लो, ठीक है। जो एरिया हमारा 10, जब रेडियस 10 था, जो हमारा एरिया आया उससे, और जो जब एरिया, जो जब रोप की लेंथ 5 मीटर थी, जो उसका एरिया आया, तो 78.5 माइनस 19.625 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 58.875। तो इतना इंक्रीज़ हुआ है ग्रेजिंग एरिया में। पहले हमारा एरिया इतना था जब रोप 5 मीटर थी, ठीक है। ये एरिया हमारा तब है जब रोप की लेंथ कितना थी, 10 मीटर। तो कितना इंक्रीज़ हुआ दोनों केस में, वो है आपका 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना इंक्रीज़ हो गया ग्रेजिंग एरिया में, ठीक है।